हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एसल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी न्यूज सुनने को मिली थी। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और 17 फरवरी से आप लोग एग्जाम जो है वो फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसकी है 8 फरवरी। तो आई रियली होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस पेपर को फिल कर देंगे। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस पेपर को लेकर, जितना एक्साइटेड मैं हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन करवाने के लिए। सो गाइज, आपको पता ही है कि 18 फरवरी से लेकर अगर हम लोग बात करें 25 मार्च तक की, तो 25 मार्च तक हमारे पास यहाँ पर बचते हैं टोटल 36 डेज। तो इन 36 दिनों में हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्या क्या हमारे डेली के टारगेट्स होने वाले हैं, क्या हमारी टू डू लिस्ट होनी चाहिए, मैं सारी की सारी डिस्कस करूंगी। आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते थे कि मैं आप लोगों के लिए एक टू डू लिस्ट बना दूं डेली पढ़ने के लिए, कि हमें रोज का क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं उस टू डू लिस्ट को, और मैं एक दिन पहले दैट इज रात को आपको ये टू डू लिस्ट अपलोड कर दूंगी, और नेक्स्ट पूरा दिन आप लोगों के पास रहेगा एज पर योर स्केड्यूल। सिर्फ आपको करना क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज रीजनिंग विद सक्षमा शर्मा पर मैसेज करके बताना है कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। आई रियली होप कि मुझे ज्यादातर मैसेजेस यही आए कि मैम हमारा सारा का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मुझे एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा आपके इस आरबीआई असिस्टेंट के चैलेंज को लेके, आई रियली होप कि आप लोगों को भी होगी इस टू डू लिस्ट से। तो बात करते हैं कि इस टू डू लिस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जो पहला चैलेंज है, डे वन का जो चैलेंज है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, कल के दिन दैट इज 18 फरवरी को आपको रीडिंग करनी है हाफ एन आवर की रीडिंग रहेगी, प्लस आप लोगों को कल का दिन सिर्फ करने हैं नाउन रिवीजन। नाउन्स को सारा का सारा अच्छे से बेसिक से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। फिर बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में कल आप लोगों को करनी है सिंप्लीफिकेशन, आपको बनाने हैं सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चंस, प्लस आपको बनाने हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चंस, और साथ में आपको करनी है 5 प्री लेवल की DIs। ठीक है, तो कल के लिए इंग्लिश का बता दिया, मैथ्स का बता दिया। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग के लिए कल के दिन के लिए आप लोग करेंगे जी सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कल आपका जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक ऑफ द डे रहेगा दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, और साथ में आप लोग करेंगे जी 5 प्री की पजल्स। ठीक है, अब वो आप कहाँ से करने वाले हैं, DI, चाहे आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं उनके प्री के DIs कर सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं, एस मैथ्स की बुक्स ले सकते हैं, एस DI ले सकते हैं, एस रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, और आपको 5 प्री के पजल बनाने हैं। और अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आप उनके रिस्पेक्टेड टास्क की PDFs को भी सॉल्व कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने हैं फटाफट से, और 5 प्री के पजल सॉल्व करने हैं। फिर अगर हम बात करें कि ये तो हो गया जी प्री की बात, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम प्री की तैयारी करते हैं ना पहले, क्योंकि हमारे पास 36 डेज तो प्री के लिए बचे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं एज पर माई एक्सपीरियंस कि जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा और आपको टेंटेटिव डेट दी गई है कि मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का हो जाएगा इसका मेंस का एग्जाम, तो बच्चे उस टाइम पे आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें तो हमारे पास है 36 डेज। अगर हम इन 36 दिनों में रोज का 5 दिन का सिलेबस भी पढ़ लेते हैं, 5 दिन का करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, तो हमारे पास कितना कवर हो जाता है, 180 डेज का करंट अफेयर कवर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि इनका हम लोग जितना भी पोर्शन कवर अप कर सकते हैं इस टू डू लिस्ट के साथ साथ, हम लोग अपने मेंस के भी कुछ पोर्शंस को एड ऑन करेंगे, ताकि आफ्टर 36 डेज हम लोग इसके बाद प्री के बाद ज्यादा फसल बसल ना हो जाए कि मैम अब इसके बाद मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो हम बहुत ही स्मूथ तरीके से, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैथ्स का मैंने आपको बहुत हैवी टॉपिक नहीं दिया, लेकिन मैंने रीजनिंग का आपको कोडिंग डिकोडिंग और साथ में पजल्स दे दिए एक हैवी टॉपिक। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज को मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग। अब आपको और क्या क्या पढ़ना है कल के दिन में, अब बात करते हैं हम CA सेक्शन की। तो CA सेक्शन में आपको कल कोई दिन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ बैठ के बजट देखना है, और आपको बजट को एक शीट के ऊपर
पॉइंटर्स नोट कर लेने हैं, उसमें दिए हुई जितनी भी नई चीजें हैं, नए वर्ड्स हैं, उनको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और उनको समझना है। तो कल के दिन के लिए सीए का काम आ गया तुम्हारा, बजट का। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में हार्डली एक पेज का होता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, कि ये बैंकिंग सेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हम लोगों ने ये बैंक की शुरुआत की, सबसे पहले कौन सा बैंक आया था। और नॉर्मलाइजेशन की बात अभी हम नहीं करेंगे, कल हम लोग नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको टॉपिक दूंगी, अभी आप लोग सिर्फ बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की, कहाँ से बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको ये सब पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल सी हिस्ट्री पढ़नी है। और इन कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर को तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि कंप्यूटर भी तो 40 नंबर का आएगा ना, तो कंप्यूटर में भी आपको पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अरिहंत की या ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहती हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहां से भी देख सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हार्डली 1 या 2 पेजेस होंगे, आपको वो पढ़ने हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप बोलो कि मैम हम मॉक भी देते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, वो सब आपकी अपनी इच्छा है। आपको क्या करना है, जो भी मेरी टू डू लिस्ट में लिखा रहेगा, आपको ये चीजें करनी ही करनी है सबसे पहले, और उसके बाद जो आपकी डेली रूटीन में आप जो भी चीजें एड ऑन करना चाहते हो वो लोग आप लोग एड ऑन कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से आपको फटाफट से रिपीट कर देती हूँ कि हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो आपको रीडिंग करनी है हाफ एन आवर फॉर योर स्किमिंग के लिए। आपको पता है आपको चाहे मैथ्स की डीआई करनी है या फिर रीजनिंग का पजल करना है, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपको करने हो कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हर चीज के लिए आप लोगों की रीडिंग स्पीड आज चाहिए होती है बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले इंग्लिश हाफ एन आवर रीडिंग करेंगे, साथ में नाउन्स का रिवीजन करेंगे पूरी बहुत अच्छी तरह से, ताकि परसों आपको नाउन को दोबारा ना देखना पड़े। फिर मैथ्स के लिए आप लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन 50, रॉन्ग नंबर सीरीज 15 और 5 प्री लेवल की डीआईज। रीजनिंग के लिए आप लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और साथ में 5 प्री लेवल की पजल्स। और उसके आगे हम लोगों ने बात की सीए की, तो करंट अफेयर्स में कल आप सिर्फ पढ़ेंगे बजट, उसके पॉइंटर्स को नोट डाउन करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आप हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, कहाँ से बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हुआ है, कौन से ईयर में कौन सा बैंक आया। उसके अलावा आप पढ़ेंगे कंप्यूटर का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि इंग्लिश के लिए नाउन कहाँ से पढ़े, तो आपके पास पैरामाउंट की एक बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके, तो आप उस बुक को ले सकते हैं फॉर नाउन्स। उसके अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो ठीक है गाइज, आई रियली होप कि आपको ये आज का जो टारगेट वीडियो है ये पसंद आया होगा, और आप लोग सारे के सारे इन टारगेट्स को पूरा करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कमेंट वीडियो, ये टू डू लिस्ट जो है वो कैसी लगी, और फर्दर आप लोग इस टू डू लिस्ट के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये टू डू लिस्ट पसंद आई और आपको ये चैलेंजेस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।